अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। तो मैं हूँ अरमान। अभी हम जा रहे हैं जबले नूर। जबले नूर के पहाड़ पे आप चढ़ेंगे और उस पर जबले नूर के बारे में बताएंगे, जबले नूर आपको दिखाएंगे। उसके बाद जबले नूर के नीचे भी एक एग्जीबिशन बना है, वहाँ पे एग्जीबिशन कुरान भी है, यानी लाइक म्यूज़ियम। उधर भी चलेंगे, आपको वो भी सब दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो हम ये जो रास्ते से निकल रहे हैं, ये है ताइफ का रोड। और ताइफ तो अपोजिशन में होता है, लेकिन हम इधर जा रहे हैं हरम के साइड। जो जबले नूर का एरिया है वो है इशारा अल हज। अभी हम अवाली से निकल चुके हैं, जा रहे हैं इशारा अल हज। और ये हमारा जो रास्ता है, अभी हम तकरीबन नसीम के पास पहुँचे हैं। नसीम से फिर जाएंगे अजीजिया, अजीजिया से फिर अंदर से मीना होते हुए निकल जाएंगे इशारा अल हज। अभी हम इधर जा रहे हैं मुसलसल विलादा, वहाँ पे हमारा एक दोस्त है, वो हमारी ड्यूटी यहीं पे। उसके बाद उसको पिकअप करके हम निकलेंगे डायरेक्ट जबले नूर। तो अभी हम पिकअप करके अब निकल रहे हैं, अब डायरेक्ट चलेंगे जबले नूर। तो ये हम आ गए हैं, अभी अजीजिया से राइट टर्न ले रहे हैं, जमरात का रोड है। जमरात रोड से निकलेंगे, चलिए आपको दिखाते हैं। ये है मीना, जो हाजी आते हैं इसी जगह पे, यानी पहले दिन इधर रुकते हैं, फिर उसके बाद अरफात जाते हैं, अरफात से फिर आगे 3 दिन इधर काम करते हैं। ये है मीना, और ये हमारे लेफ्ट राइट दोनों साइड में है मीना। इधर ये ऊपर में जो आ रहा है, छतरी नजर आ रही है, यही है शैतान। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इसी आसपास में है सारा। और अभी फिलहाल हम निकल रहे हैं जबले नूर। वो जो सामने आपको दिख रही है पहाड़, वही पहाड़ है जबले नूर। हो सकता है कि आपको लोग भी दिखेंगे। हाँ, ऊपर लोग दिख रहे हैं, बहुत रश है यार। देखिए हमारी टीम है, 3-3, 4-3, 7 लोग हो गए, 2 लोग उधर, मैं 1-10, 10 लोग हम लोग एक साथ चलेंगे। 2 लोग उधर से आ रहे हैं, तो हम बस, हमारा गाड़ी का रास्ता खत्म हुआ और अब हम पैदल चढ़ेंगे जबले नूर। वो हमारे पीछे देख रहे हैं, वो है जबले नूर। चलिए चलते हैं। अभी हम एक तिहाई भी नहीं चढ़े हैं, और वो पीछे वाली मस्जिद पे आके नमाज पढ़े, नमाज पढ़ के फिर कंटिन्यू कर दिए। अभी हम नीचे ही हैं।
आपको नहीं उधर पीछे बोल रहा मुस्तफा मुस्तफा हादा सो कुल्लू मकान कुल्लू बैत रहायशी बिल्डिंग सभी कुल्लू सो हादा जबल के फो منبعول الصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حنى قلبي له فاز شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه वो दिख रही है वो ऊंचाई, हम एकदम उसके सीधे पे हैं, बस ऊपर जाना है हमको। देखिए ये जो रास्ता था पहले, जो पुराना रास्ता था वो हाईवे से अंदर आता था, फिर उधर से पैदल लोग आते थे, एक छोटी मस्जिद पड़ती थी। अभी वो सारा बंद हो गया है, अभी वो उस जगह से रास्ता आया है, वो दिख रहा है आपको, एग्जीबिशन है उधर सारा, यानी लाइक म्यूज़ियम है। उधर से रास्ता, गाड़ी का भी रास्ता है और पैदल भी लेक देखें, वो लोग आ रहे हैं उस जगह से, अभी आना है। ये रास्ता बंद हो गया है वहाँ पे, यानी रास्ते को ही क्लोज़ कर दिया गया है। देखिए हम उस रास्ते से आ रहे थे, यहाँ भी वो बंदी है। ये ऊपर भी है, ये वाला रास्ता बंद हो गया है और ये रास्ता चालू हुआ है, ठीक है। जब आपको आना हो उधर एग्जीब्यूशन के पास से ही आ पाए। वो जो जो अभी पुराना रास्ता जो बंद कर दिए हैं लोग ज़बरदस्ती उस रास्ते पे आ रहे हैं, उससे अच्छा रास्ता है नया रास्ता जो बना है। तो हम भी पुराने रास्ते से आए, हमको पता नहीं था, अभी हम बता रहे हैं उधर नया एग्जीबिशन के पास से रास्ता निकला है। देखिए यहाँ तक गाड़ी आ गई है, ये यहाँ तक गाड़ी आ जाएगी, आप उधर एग्जीबिशन से, एग्जीबिशन से आपको वहाँ पे पार्किंग की जगह है। वो वहाँ पे बहुत पार्किंग की जगह, आप गाड़ी पार्क करके उस रास्ते से आएँ और ये जो पुराना रास्ता था इस रास्ते से ना आए। قال فلتذهبوا ان تموتوا لقى مصطفى ये जो है इधर इस रास्ते से पहले आते थे, अभी फिर एक बार दिखा दूं आपको, उधर से हमको नहीं आना है, इधर से आना है। वो जो एग्जीबिशन है उधर से ये रास्ता आता है, ये इजी भी है और सेफ भी है। यही है गारे हेरा और आप देख सकते हैं इस चीज़ को, माशाल्लाह हर जगह हाजी बैठे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। देखिए ऊपर से अभी नीचे जाएगा ये रास्ता। منهجا وصوتا كانت تسعده بسمة البسطاء سيد في الكرم قمة في العطاء مصطفى مصطفى
Mustafa, Mustafa, manba'u liswafa, Sayyidul Anbiya, mish'alun fil wafa, kana fi 'atfihi lil yatama difa. Mustafa, Mustafa, manba'u liswafa, Sayyidul Anbiya, mish'alun. ये इस रास्ते नीचे आना है। كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فاز شوقا إلي ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فاتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين तो ये हमारे पीछे देख सकते हैं आप, हमारे यहाँ के जो हुज्जा आते हैं वो यहाँ पे लोग आके कुछ भी ना कुछ कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, अपना नाम लिखते हैं। अब ये देखो क्या लिखा है, समी क्या लिखा है, कुछ उल्टा दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, और कुछ ना कुछ लिखते हैं। तो यही है जो जबल है, जबल नूर, और इसी पे सूरह लाउअल इसी पे नाजिल हुई थी सूरह इकरा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी पहाड़ पे आते थे और अपने जितने भी यानी खाना वाना जो भी राशन उनका लेके आते थे यहाँ पे इसी पहाड़ पे रहते थे। जब खाना ख़त्म हो जाता तिलावत करते थे, जब खाना ख़त्म हो जाता तो चले जाते थे अपने घर, फिर खाना लेके फिर इधर आते थे इसी पहाड़ पे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ से बहुत प्यार करते थे और इसी गार में पड़ा करते थे। गार तो अभी हम जा नहीं सकते, बहुत ज़्यादा जाम है, क्योंकि इस गार पे हम तीसरी बार या चौथी बार आए हैं, तो हम अंदर जाना हमारा सही नहीं है, क्योंकि हुज्जा जाते हैं जो नए नए दूर दूर से हुज्जा जाएँ वो जाएँ उनका हक है। और एक चीज़ और बताना आपको, ये जो पुराना रास्ता है, जो पुराना रास्ता अभी क्लोज हो चुका है, उस रास्ते पे आप ना आएँ। उसके थोड़ा सा और आगे में उधर में एक रास्ता आया है, क्या नाम है उसका, एग्जीब्यूशन न्यू म्यूज़ियम टाइप में बना है, जो इसके बारे में उधर म्यूज़ियम कुरान भी उधर बना है और 3D में समझा रहे हैं उधर, बहुत अच्छा एग्जीब्यूशन है। 15 उसका टिकट है, उधर से आप आएँ वहाँ गाड़ी पार्क करके आप ऊपर आ सकते हैं इजीली। जो पुराना रास्ता था ये बहुत टफ़ है, इधर आने का बहुत मुश्किल है, यानी आप आएंगे तो समझिए इधर बहुत मसला है। और रास्ता भी क्लोज है, वहाँ पे छूटता भी रहता है, वो अंदर आने नहीं देता है। तो आप उस रास्ते से आएँ जो अभी नया रास्ता बना है। तो देखिए फिर हुज्जाज किराम, बस यही तक थी हमारी वीडियो। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ओके, तो कितने बजे हम आए थे, तकरीबन 3 बजे निकले थे, अभी 6:15 हो गया, अंधेरा हो गया है। और इसके बाद हम एग्जीबिशन के पास जा रहे हैं। एग्जीबिशन अभी हम मक्का में क्या क्या जबल नूर में 3D मैप पे दिखता है वो हम आपको दिखाते हैं। ये है, यही है जबल नूर का नया रोड, और इस रोड पे आप इजीली जा सकते हैं, ठीक है, और ज़बरदस्त अच्छा रोड है। अभी हम एग्जीबिशन जा रहे हैं। एक और नया तरीका है आपको, अगर ढलान ज़्यादा है तो आप ऐसे रिवर्स उतरेंगे तो आपका बैलेंस अच्छा रहेगा, आप ये नहीं कि ढला के सीधे चले जाएंगे, आराम आराम से उतरेंगे। ये हमारा मुंशी पैर फंसा रहा है। पीछे पीछे Let's
एग्जीबिशन के फ्रंट पे राइट साइड लेफ्ट साइड में एक टिकट दो टिकट काउंटर है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में है। राइट साइड वाला ओपन है और लेफ्ट साइड वाला जो है वो क्लोज है। और एग्जीबिशन में वो दिखा रहे हैं मक्का में क्या क्या, यानी मक्का में क्या क्या है और कारे हजार के बारे में बता रहे हैं। और शो खराब हो, यानी सही बुखारी हदीस सही बुखारी है वो पुरानी और कुरान शरीफ है, पुराना कुरान शरीफ है हाथ से लिखा हुआ। तो यही सब है, बाकी और कुछ खास नहीं है। और तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।